Hi everyone, myself Divya Tambika. Today we are going to learn chapter 20, Eating Together. In this chapter we learn about a festival and a small class party where the students and people are eating together and enjoying so much. So let's start. Class party. The school reopened today after the vacations. The children share news about how they spend their holidays. When did you put mehendi on your palms? Meena asked. Aarti. At my uncle's wedding, Aarti said, "You must have had a lot of fun at the wedding," David said. "Oh yes, I enjoyed the wedding feast the most," Aarti said. "At the wedding, we had fun with all my cousins and other relatives eating and doing everything together," Aarti said. "Why don't we do something like that in school? Let us also have some fun together." सो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वैकेशन के बाद स्कूल जब ओपन हुआ तो आए एंड दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस एंड देयर वैकेशंस टू ईच अदर. सो मीना ने आरती से पूछा कि तुमने कब अपने हाथों में मेहंदी लगाई. आरती ने कहा, अपने अंकल की वेडिंग में. सो डेविड ने पूछा, तुमने कहा कि तुमने बहुत सारी मस्ती की होगी वेडिंग में. देन आरती सेड, यस आई एंजॉयड द वेडिंग द मोस्ट एंड वी हैड फन विथ ऑल माय कजन्स अदर रिलेटिव्स. और हमने साथ में खाना खाया और बहुत सारी मस्ती की. सो रिहाना ने पूछा, क्या हम कुछ ऐसा है स्कूल में नहीं कर सकते जिससे हमें मज़ा आए साथ में और हम खाना भी एक साथ में खाएं. सो डेविड ने कहा, आई हैव एन आइडिया, डेविड सेड. व्हाई डोंट वी हैव अ क्लास पार्टी, देन वी कैन ऑल्सो ईट एंड हैव फन टुगेदर. वी ऑल हैव पार्टी इन अवर कॉलोनी वेन एवर देयर इज़ अ फेस्टिवल. वी कलेक्ट मनी फॉर एवरी वन फॉर द पार्टी. वी कुक सम डिशेज एंड बाय अदर थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, रेहाना सेड. रेहाना ने कहा कि डेविड ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, हम क्यों ना क्लास पार्टी करें और एक साथ खाएं और बहुत सारी मस्ती करें. सो रेहाना ने कहा कि इस तरह की पार्टियां हम अपनी कॉलोनी में करते हैं. कॉलोनी मीन्स जहां वो रहते हैं, उसे कहा जाता है कॉलोनी, स्ट्रीट, एरिया. सो वहाँ पे वो हर फेस्टिवल पे ऐसे ही पार्टी करते हैं, बहुत सारे पैसे इकट्ठे करते हैं, सबसे एक मनी, लिमिटेड मनी, जैसे आपने 100 दिए तो दूसरे ने भी 100 देंगे, तो ऐसे ही वो एक कलेक्शन करते हैं और फिर कुछ खाना घर से बना कर लाते हैं और कुछ बाहर से, और इस तरह से वो वहाँ पर बहुत मस्ती करते हैं. सो रीना ने कहा, वी डोंट नीड अ फेस्टिवल टू हैव अ पार्टी. सैटरडे इज़ ए हाफ डे. Why don't we plan to have our party then? Everyone in the class decided what each would bring for the party. On Saturday, the children really enjoyed their party. There was so much variety in the food. They play so much games. Everybody is so relaxed. There was a singing and dancing too. They decided that they would have such a party again. So Reena ne kaha, हमें पार्टी करने के लिए कोई फेस्टिवल की ज़रूरत नहीं होती, जैसे रिहाना की कॉलोनी में पार्टी करने के लिए फेस्टिवल का वेट करते. सो रीना ने कहा कि उसे कोई पार्टी करने के लिए फेस्टिवल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है. उनके स्कूल में सैटरडे हाफ डे की तरह सेलिब्रेट होता है, तो क्यों ना हम सैटरडे को ही पार्टी प्लान कर लें. सो क्लास में सभी लोगों ने डिसाइड किया कि वो क्या क्या लेकर आएंगे सैटरडे की पार्टी में, और सैटरडे को वो लेकर आए और उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया क्योंकि बहुत सारी वैरायटी थी फूड की. सब अलग अलग अपने घर से फूड लेकर आए थे. उन्होंने बहुत सारे गेम्स खेले. सब लोग बहुत रिलैक्स थे क्योंकि पार्टी मूड ऑन था ना.
उन्होंने वहाँ गाना गाए, डांस किया और ये भी डिसाइड किया कि वो इस तरह की पार्टी फिर से करेंगे। सेलिब्रेटिंग बिहू। सो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इन असम स्टेट पीपल्स आर सेलिब्रेटिंग बिहू बिकॉज ऑफ द न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड। जब नई फसल उगती है और उसे काटा जाता है तब एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसे कहते हैं बिहू। सो सोनमोनी वोक अप अर्ली एंड रैन टू मीट हर फ्रेंड्स तनवीर, फातिमा एंड मजनी। टुडे वॉज अ स्पेशल डे इन आसाम। द न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड। द विलेज वॉज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू। यहाँ पे बिहू का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था। द फोर फ्रेंड्स सैंग एंड चैटेड हैप्पीली एज दे मेड द बेला घर। लेट अस रीड हाउ दे सेलिब्रेटेड बिहू। सोनमनी, हरी अप, वी मस्ट फिनिश मेकिंग द बेला घर ऑफ ग्रास एंड बैम्बू बिफोर द फीस्ट टुनाइट। तनवीर, यस टुडे इज उरुका, द होल विलेज विल ईट टुगेदर। फातिमा, हैव दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फीस्ट। सो यहाँ पर इन दिस चैप्टर फोर और फाइव फ्रेंड्स हैं जो एक साथ बिहू सेलिब्रेट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। असम में बहुत इस दिन को, बिहू के दिन को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो वो फोर फ्रेंड्स एक साथ गाना गा रहे थे, बातें कर रहे थे जब वो बेला घर बना रहे थे। सोनमुनी ने कहा जल्दी करो, हमें बेला घर को बनाना, बेला घर को जल्द से जल्द बनाकर ख़त्म करना पड़ेगा ताकि जो रात को जश्न होने वाला है वो हम भी देख सकें। तो जश्न से पहले उन्हें बेला घर बनाना था। तनवीर ने कहा कि हाँ, आज तो उरुका है, पूरा गांव आज एक साथ खाना खाएगा। तो फातिमा ने कहा क्या उन्होंने तैयारी शुरू कर ली होगी आज रात के जश्न की। देन सोनमनी सैड, यस एवरीवन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी टू बाय द बोरा राइस, फायरवुड, बैम्बू एंड मेज। हरिया एंड बदिया हैव नॉट गिवन मनी बट दे आर हेल्पिंग विथ ऑल द वर्क। देन फातिमा सैड, वाई वॉट अबाउट द मीट, फिश एंड वेजिटेबल्स। Then Sonmani said, some peoples have gone to market to buy all these things. The bora rice has been soaked. The whole village is busy to making pita. Some people are cooking and some are roasting the sweet potatoes. Some will help to serve the food at the night. In the evening, everyone will be served tea and pita. तो सोनमनी ने कहा, जैसे कि फातिमा ने पूछा था कि क्या जश्न की तैयारी के लिए फीस्ट फेस्टिवल में जो बनाते हैं उसके लिए सब प्रिपेयर कर लिए हैं। तो सोनमनी ने कहा कि हाँ, सभी ने पैसे कंट्रीब्यूट कर दिया है जिससे कि बोरा राइस, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ, बैम्बू एंड मेज खरीद लिए हैं। हरिया और बधिया ने नहीं दिया है, लेकिन वो पूरे जो खाना बनाने का वर्क होगा उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो फातिमा ने पूछा व्हाट अबाउट फिश, वेजिटेबल एंड मीट। सो सोनमनी ने कहा कि कुछ लोग ये सारी चीज़ें खरीदने मार्केट गए हैं। बोरा राइस को पानी में सोक कर दिया गया है और पूरा गांव मिलकर पीठा बना रहा है। कुछ लोग खाना बना रहे हैं, कुछ लोग स्वीट पोटैटोस को रोस्ट करने में बिजी हैं, और जो लोग अभी हेल्प नहीं कर रहे हैं वो जब रात में खाना सर्व होगा तो सर्व करने में हेल्प करेंगे, और रात में सबको चाय के साथ पीठा दिया जाएगा। देन तनवीर सैड, आई एम वेटिंग टू ईट द चीवा राइस दैट वी विल गेट एट द फीस्ट, आई रियली लव्ड इट। फातिमा सैड, हाउ विल द चीवा राइस बी प्रिपेयर। देन सोनमुनी टोल्ड, दे विल लाइट अ फायर एंड बॉइल द वाटर इन द बिग तवा, मीन्स अ कढ़ाई। On this vessel, they would put the kadhai containing soaked rice and cover it the banana leaf. After some time, the chiva rice will be cooked and ready to eat. तनवीर ने कहा कि मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ चीवा राइस खाने का, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो फातिमा ने कहा कि चीवा राइस को कैसे बनाया जाता है, ये फातिमा ने पूछा।
सो सोनमणि ने उसे बताया कि सबसे पहले एक बड़ा सा वेसल जिसे टाव कहते हैं उसे आग के ऊपर रख दिया जाता है और उसके ऊपर पानी डाल के उबाला जाता है। फिर इस वेसल के ऊपर कढ़ाई रखी जाती है जिसके ऊपर राइस रख देते हैं पानी में जो सोख करके रखा था और उसके ऊपर बनाना लीव से उसे कवर कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ये चीवा राइस कुक हो जाता है एंड इट्स रेडी टू ईट। सी दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ बिहू, द पीपल्स आर डांसिंग सिंगिंग एंड एंजॉय सो मच। नाउ दैट इज़ द बेला घर। The Bela Ghar was ready. The four fronds ran off to change their clothes. Soon all the peoples in the village got together at one place. The women were dressed in yellow. They wore beautiful Mikhala Chador. Sonmuni and her friends ran to Bela Ghar. The drum started to play and everyone started to sing and dance. So Bela Ghar, ye hai Bela Ghar. Ye Bela Ghar पूरी लकड़ियों से ग्रास से बना हुआ होता है। सो जो फोर फ्रेंड्स मिलकर बेला घर बना रहे थे वो अब बन चुका था। तो चारों लोग अपने घर दौड़े अपने कपड़े चेंज करने के लिए और जल्द से जल्द वो लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ पे गांव के सारे लोग थे। वहाँ की औरतें जो थी वो येलो कलर की ड्रेस में पहनी हुई थी जिसे कहते हैं मेखाला चादर। सोनमुनि और उसके फ्रेंड्स फिर दौड़कर बेला घर के पास गए। वहाँ पे उन्होंने ड्रम्स बजाना शुरू किया और गाना गाना भी शुरू किया। सब लोग वहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे थे। द बेला घर वॉज सेट अलाइट एट पीपुल डांस अराउंड इट। सेट अलाइट मतलब बेला घर में अब आग लगा दी गई थी और लोग उसके चारों तरफ डांस कर रहे थे। देन दे ऑल सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ रो एंड रेडी टू ईट। द फूड वॉज सर्व ऑन बनाना लीव्स। एवरी वन इन्जॉय द फीस्ट। देन मजानी सेट सोनमुनि वी शुड गो एंड स्लीप नाउ, वी हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो टू लाइट द मेजी। सो अब सब लोग जब डांस कर लिए उस बेला घर के चारों तरफ तो वो डांस कर थोड़ा सा थक गए थे। फिर वो ग्राउंड पर बैठ गए और खाना खाने के लिए तैयार हो गए। खाने को सर्व किया जा रहा था बनाना लीव्स के ऊपर। सभी ने ये फीस्ट बहुत इंजॉय किया। दिन में जैनी ने कहा सोनमुनि हमें जाकर जल्दी से सो जाना चाहिए क्योंकि हमें सवेरे उठना है और मेजी को लाइट करना है। नाउ हियर मीड डे मील। डिड यू नो व्हाट इज़ द मीड डे मील? ओके, मीड डे मील मीन्स a type of lunch which is given in the government school that is known as the midday meal. Midday means afternoon. So afternoon ki jab meal ko hum khate hain to wo kya hota hai? Lunch. So it is a lunch which is given in the government school. Did in your school did you eat the midday meal? सो गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्या आपके स्कूल में मिड डे मील मिलता है? डिड यू ईट मिड डे मील इन योर स्कूल? यस और नो? सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून। द स्मेल वॉज फूड कुकिंग इज कमिंग फ्रॉम द वरांडा एंड अवर स्टमक्स आर रंबलिंग। वी आर सो हंग्री, वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन इन द क्लास। Ding, ding, ding. At last, now the bell rang. All the children ran out and went to wash their hands. Master Moshani sent all the children to the hand pump at the corner of courtyard. And Anodo, see that everyone washes their hand properly, he called. तो ये एक गवर्नमेंट स्कूल का बता रहा है। यहाँ पे आफ्टरनून का 1 o'clock हो चुका था। खाने की बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी बरामदे से और सारे स्टूडेंट्स के स्टमक जो थे वो भूख के मारे बढ़ रहे थे। जैसे कहते हैं ना चूहे दौड़ रहे थे, सो वैसे ही भूख के मारे उनको कुलबुलाहट हो रही थी उनके पेट में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखे थे और भूख लगने की वजह से वो अपनी क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे थे। फाइनली बेल बजी, सारे बच्चे दौड़ कर आए और सबसे पहले उन्होंने हैंड वॉश किया। सो जो मास्टर वहाँ के थे मीन्स टीचर मोशाए, मास्टर मोशाए,
उन्होंने सारे बच्चों को हैंडपम्प की तरफ भेजा जो कि कोर्टयार्ड के कॉर्नर पर है। वहाँ पे कोई एक वर्कर था जिसका नाम था अनोंडो, एक्चुअल में उनका नाम आनंद था पर जो मास्टर मुशाय थे वो बंगाली थे सो उनको अनोंडो बोला उन्होंने। अनोंडो देखिए ध्यान से सभी बच्चों ने अपने हाथ प्रॉपरली वॉश किए हैं कि नहीं। After washing our hands, we also stood in a queue to take our food. Some had their own boxes and some had their plates. Then we all sat down in a circle with food. Before we starting to eat, we sang together. We play together, we eat together for the good for everyone. We will always be together. Today, there is a Bhat Shukto. Which is a rice with vegetable and gravy in our meal. Yesterday we have luchi and chola dal. Outside Didi Moni's room, a list of food item has been displayed. It tells what we will get every day of the week. Would it not be wonderful if on some days we got extra treat, maybe something sweet. सो जैसे ही सारे स्टूडेंट्स ने अपने हैंड वॉश किए वो एक लाइन पर आकर बैठ गए खाना खाने के लिए। किसी ने अपना जो मिड डे मील था वो अपने खुद के टिफ़िन में लिया, किसी ने प्लेट्स में लिया और साथ में वो एक सर्कल बनाकर बैठ गए। बिफोर दे स्टार्ट टू ईट दे सैंग टुगेदर, उन्होंने एक सॉन्ग गाया। वी प्ले टुगेदर वी ईट टुगेदर फॉर द गुड फॉर एवरीवन वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। हम साथ खेलते हैं, हम साथ खाते हैं और सभी की भलाई के लिए हम एक साथ हमेशा भी रहेंगे। सो आज के मिड डे मील का जो खाना था वो था भात शुक्तो। ये था चावल के साथ सब्जी ग्रेवी वाली, इसे जब एक साथ बनाकर दिया जाता है तो उसे कहते हैं भात शुक्तो। और कल वहाँ उनके पास था लूची और छोला दाल। जो खाना बनाने वाले होते हैं ना उनके रूम के आगे एक लिस्ट लगी हुई होती है जिसमें ये मेंशन हुआ रहता है कि हर दिन वो कौन सा खाना खाएंगे। तो ऐसे ही वो लिस्ट लगी होती है जिसके अकॉर्डिंग हर दिन उनको उसी के अकॉर्डिंग खाना मिलता है। और कभी कभी उनको एक एक्स्ट्रा ट्रीट भी मिलती है, मतलब उन्हें किसी दिन स्वीट डिश भी मिलता है। देयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग About lunch time at school, every day we change our places in the circle and sit next to a different child. I really like this because I can meet new children and make new friends. एक छोटा सा वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ था स्कूल के लंच में कि वो जब भी लंच करने बैठते थे तो वो हर दिन अलग अलग सर्कल में बैठते थे क्योंकि हर दिन फिर वो अलग बच्चे से मिलते थे और एक दूसरे को अच्छे से जान जाते थे और न्यू फ्रेंड्स उनके बनते थे। तो वो हर दिन एक ही लाइन पे नहीं बैठते थे, वो हमेशा अलग अलग लाइंस पर बैठते थे और क्योंकि उनको दूसरे चिल्ड्रंस भी मिलते थे और वो उनके साथ फ्रेंडशिप करते थे। सो द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस, समटाइम्स राइस वॉज ऑफ पुअर क्वालिटी, समटाइम्स इट वाज नॉट प्रॉपरली कुक्ड। Some parents did not like their children to eat such food. Didi Moni explained to them it was everyone's duty to make sure that the children got fresh, hot and properly cooked food. Also make sure that every child get afternoon meals regularly. The parents also decided to help. कभी कभी क्या होता है वो मिड डे मील का खाना हमेशा अच्छा नहीं होता है, कभी कभी अच्छा नहीं आता, जैसे कि कभी चावल जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, कई बार ये अच्छे से कुक्ड नहीं हुआ रहता। और कुछ पेरेंट्स जो होते हैं ना वो नहीं चाहते कि उनके यहाँ के बच्चे ये खाने को खाएं। सो जो खाना बनाने वाली दीदी थी जिनका नाम था मोनी, उन्होंने बताया कि ये सबकी ड्यूटी होती है कि सभी बच्चे एकदम फ्रेश और हेल्दी फूड खाएँ जो कि गर्म हो और प्रॉपरली पका हुआ हो, और ये भी कि हर बच्चे को दोपहर का खाना रेगुलरली मिले। तो इस चीज़ के लिए पेरेंट्स भी उनकी हेल्प करते हैं। नाउ थिंग्स आर बेटर, वी ईट फ्रेश हॉट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड टुगेदर। द यंगर चिल्ड्रन समटाइम्स कैन नॉट फिनिश ऑल द फूड बट माई फ्रेंड्स आई
are sometimes still a little hungry even after we eat. Nowadays, many schools give food in school during the day. It was not always like this. When my Didi was in the primary school, children did not get afternoon meal in school. Some children come to school in the morning without eating anything. Imagine having to study on an empty stomach. So, जो अभी हमें बता रहे थे कि खाना जो था वो अच्छा नहीं मिलता था, लेकिन अब वो बहुत बेटर हो गया है. उन्हें ताज़ा, गरम और हेल्दी खाना मिलता है और वो एक साथ बैठकर खाते हैं. कुछ जो यंगर बच्चे हैं वो कभी कभी अपना पूरा खाना फिनिश नहीं कर पाते. लेकिन ये जो स्टोरी हमसे एक स्टूडेंट शेयर कर रहा है, वो और उनके फ्रेंड्स हमेशा खाना पूरा ख़त्म करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ी सी भूख लग जाती है खाना खाने के बाद भी. अभी जो ईयर चल रहा है उसमें नाउडेज जो बहुत सारे स्कूल्स हैं उनमें मिड डे मील मिलता है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था. जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमें कोई भी मिड डे मील नहीं मिला जाता था, हम अपने घर से ही लंच लेकर आते थे. तो जो ये स्टूडेंट हमसे शेयर कर रहा है ना, उनकी दीदी भी जब प्राइमरी स्कूल में थी तब कोई भी मिड डे मील उनको नहीं मिलता था, ना ही आफ्टरनून मील मिलता था. मॉर्निंग में जब आते थे तो भी नहीं, ना आफ्टरनून में आते थे तो भी नहीं. तो और आप सोचिए कि कई बार बच्चे जो हैं वो सवेरे आते हैं बिना खाए. मिड डे मील जिनके स्कूल्स में नहीं मिलता, लाइक यू आर कमिंग टू स्कूल एट द मॉर्निंग टाइम एंड विदाउट ईटिंग एनीथिंग. तो वैसे ही बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, पर आप तो लंच बॉक्स लेकर आते हैं, पर बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ मिड डे मील नहीं होता. सो वहाँ पे सोचिए वो कैसे खाली पेट पहले पढ़ाई करते थे. मिड डे मील एवरी चाइल्ड्स राइट. मैनी चिल्ड्रन इन अवर कंट्री आर नॉट एबल टू गेट इवन वन फुल मील एवरी डे. मैनी ऑफ देम डू नॉट इवन गो टू स्कूल. दोज हु गो टू स्कूल विदाउट ईटिंग प्रॉपरली कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली. सम ईयर्स अगो द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अवर कंट्री गेव एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन दैट ऑल चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल शुड बी प्रोवाइडेड विथ हॉट कुक्ड फूड. This is the right of every children's. मिड डे मील जो होता है ये हर बच्चे का राइट मतलब हक होता है. कई कंट्रियाँ ऐसी होती है जहाँ पे बच्चे जो हैं वो टिफ़िन भी नहीं लाते और इवन दिन का एक मील भी नहीं खाते और वो स्कूल भी नहीं जाते. सो उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता और वो पढ़ाई भी नहीं करते. सो कुछ साल पहले हमारी कंट्री के हाईएस्ट कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था कि हर स्कूल को जो जहाँ पे प्राइमरी स्कूल लगते हैं मींस 1 to 5 क्लास 1 to 5 वहाँ पे बच्चों को प्रॉपर फूड मिले जो गर्म हो, अच्छे से पका हुआ हो, क्योंकि ये हर बच्चे का हक है. दिस इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड. सो स्टूडेंट इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट हाउ दे असम पीपल्स आर सेलिब्रेटिंग बीहू, वॉट इज़ मिड डे मील एंड वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर मिड डे मील्स. ओके सो हियर योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड. फॉर मोर वीडियो यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.